हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज हम डे 3 पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स का हमने पार्ट नंबर 1 देखा था, इनकम डिटर्मिनेशन। आज हम उसका सेकंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट हम दो टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे। मैंने कहा था इनकम डिटर्मिनेशन एक यूनिट है, इसमें तीन चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर हमारा कौन सा था? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट आज हम देखेंगे इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, एंड द लास्ट वन इज एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो को पहले देख लें, तब ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, एक इकोनॉमिस्ट और हैं, जेएम कीन्स। क्या नाम है उनका? जेएम कीन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है कीन्सियन थ्योरी। इसमें क्या नाम है उनका? कीन्सियन थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जेएम कीन्स, ठीक है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कीन्सियन थ्योरी। तो कीन्सियन थ्योरी में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट सप्लाई के। ओके, एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स इन कीन्सियन थ्योरी, एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। सो दिस इज द अप्रोच वन। ये अप्रोच वन है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने का। अप्रोच वन क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, अप्रोच वन है। ओके, एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ओके, इन द लास्ट सेशन एग्रीगेट डिमांड हमने वी हैव स्टडीड अर्लियर इन द लास्ट सेशन ऑफ द लास्ट क्लास, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर मॉडल। इन टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर। वैसे तो फोर सेक्टर होता था, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड हमने एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? सी प्लस एस के बराबर, कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर, ये हमने देखा, ठीक है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट एडी इज इक्वल्स टू ए एस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एडी को हम ओपन करके सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस ऐसे लिख सकते हैं। ओके भाई, इसी को मैंने ओपन करके लिख दिया, एडी की जगह एडी की वैल्यू पुट कर दी, एएस की जगह एएस की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम इस सी को यहां पर ले आए, अगर हम इस सी को यहां ले आए या इस सी को यहां पर ले जाएं, ओके, सो यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इस सी को हम यहां पर ले आए तो ये हो जाएगा सी प्लस आई माइनस सी इज इक्वल्स टू एस। तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स? S इज इक्वल्स टू आई। सो सेकेंड अप्रोच हमारे पास एक और मिल गई हमें स्टूडेंट, कि इक्विलिब्रियम दो जगह अचीव हो सकता है। कहाँ कहाँ? जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के। और दूसरा एक और पॉइंट हमें मिल गया जहां पर सेविंग किसके इक्वल हो जाए? इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए। तो हमें वो पॉइंट कौन सा मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो एक तो एडी एंड एएस अप्रोच, और दूसरा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हमने क्या करा? एडी को ओपन करा, एडी की वैल्यू किसके बराबर होती है? सी प्लस आई। सेम ओपन किसको करा? एएस को, तो सी प्लस एस, ठीक है। तो एडी और एएस ये दोनों इक्वल होते हैं, तो एडी की जगह एडी की वैल्यू, एएस की जगह एएस की वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहां इसको सी को इधर ले जाओ या इस सी को इधर ले जाओ, तो कैंसिल हो जाएगा, एक सी प्लस का हो जाएगा, एक सी माइनस का, तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? एस और आई बचा स्टूडेंट। क्या बचा? एस और आई। एस और आई का मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम इसको स्केड्यूल से समझ लेते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा? तो हमारे पास ये इनकम है, इनकम हमारे पास कंजम्पशन है स्टूडेंट, इनकम है कंजम्पशन है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास एडी है, हमारे पास सेविंग है, हमारे पास एडी है, हमारे पास एएस है, और हमारे पास एक कॉलम होगा रिमार्क्स का, हम रिमार्क्स देंगे स्टूडेंट, ठीक है। रिमार्क्स का एक कॉलम होगा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, ओके, यहाँ देखिएगा। तो इनकम वही जो हमने लास्ट क्लास में 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। कंजम्पशन वही 40, 120, 200, 280, 360, 80 से बढ़ रहा था 440 एंड 520, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने 20 लिया था। हालांकि यहाँ पर भी ऑटोनॉमस ही लेना है, कौन सा लेना है? ऑटोनॉमस, लेकिन हम यहाँ पे 40 ले लेते हैं क्योंकि हमें पूरा डिफाइन करना है ना ये। ओके, क्योंकि दोनों एक ही, दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पर लेकर आना है दोनों को, तो हमने इसको 40 ले लिया, ठीक है। सो सेविंग कमाया 0, खर्च करा 40, तो माइनस 20, 0, 20, 40, 60, देन 80,
इनकम में से माइनस करते जाएंगे कंजम्पशन को, ठीक है। एडी, एडी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के बराबर। एडी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई। तो सी प्लस आई, तो 80, 160, 240, 320, 400, 480 और 560। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई, आपको बताया था लास्ट क्लास में स्टूडेंट, एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है इनकम के, तो जितनी इनकम है उतना ही क्या होगा, चेक भी कर लो आप एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस के बराबर, 40 माइनस 40 कितना होगा, 0, 120 माइनस 20, 100, 200, 300, 400, 500, देन 600, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कीन्स, जेएम कीन्स, इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच है, एडी इज इक्वल्स टू एएस और सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखते हैं एडी और एएस कहां पर इक्वल है स्टूडेंट। एडी और एएस चेक करिए, एडी और एएस, एडी और एएस मिल गया, मिल गया पॉइंट स्टूडेंट, एडी और एएस वाला पॉइंट हमें मिल गया, कितना 400 एंड 400, कितना। ओके, कहां पर, जब लेवल ऑफ इनकम कितना है 400, तो एडी और एएस दोनों क्या है, ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम, AD is equals to AS, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा अप्रोच है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे पूरा नहीं है सर, यहाँ पे पूरा है, एक प्लस का एक माइनस का। ओके, ये आ गया, ये आ गया, ओके 40 40, सो इसका मतलब सेम लेवल ऑफ इनकम पर, सेम लेवल ऑफ इनकम पर कितना हो गया, 400 और 40 और 40 हो गया, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब रिमार्क्स में क्या दे सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से पहले की बात करें स्टूडेंट्स, बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम, हम बात किसकी कर रहे हैं, बिफोर इक्विलिब्रियम, याद रखना एडी इज ग्रेटर देन एएस, चेक कर लो एडी किससे बड़ा, एएस से, चेक कर लेते हैं, देखो 80 और 100 जीरो, तो क्या है एडी इज ग्रेटर देन एएस, 160 और 100 एडी इज ग्रेटर देन एएस, 240 और 200 AD is greater than AS, again AD is greater than AS, लेकिन हम at equilibrium दोनों equal हैं, at equilibrium AD is equals to AS, अगर after equilibrium अगर हम बात करें तो AD is less than AS, चेक कर लीजिए AD is less than AS, ठीक है AD is less than AS, क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। सो ये था इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कि एडी एएस अप्रोच और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, क्लियर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट आगे, ठीक है। इसी में हम मल्टीप्लायर की वैल्यू देखते हैं, इसी में हम मल्टीप्लायर की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होता है स्टूडेंट। अब देखो ये जो मैंने आपको स्केड्यूल बनाकर दिखाया ना, ओके, एग्जाम में स्केड्यूल बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम से पहले एडी की वैल्यू ज्यादा होती है या एएस की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारे पास मल्टीप्लायर, ओके, मनी मल्टीप्लायर, ओके, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लायर क्या होता है स्टूडेंट, इट इज डिनोटेड बाय के, ये किससे डिनोट किया जाता है, के। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट चेंज करें, थोड़े से इन्वेस्टमेंट अगर हमने कर दिए तो हमारी इनकम में एक वास्ट चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम थोड़े से इन्वेस्टमेंट चेंज करेंगे तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा चेंज हो जाएगी, और मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के। तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम क्या हो जाती है हमारी, चेंज। तो इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल वाई से, तो डेल वाई इज इस टू डेल आई, सो मल्टीप्लायर की वैल्यू हुई होती है तो मल्टीप्लायर को किससे डोंट करते हैं, के इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई, ये क्या हो गया हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई स्टूडेंट, किसकी वैल्यू हो गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, हमें पता है इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ओके, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स एट इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल सी प्लस डेल एस, ओके, प्लस डेल एस, ठीक है। अब देखिएगा एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल वाई, अगर हम दोनों साइड को डेल वाई से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई प्लस डेल एस अपॉन डेल वाई, यहां से कैंसिल, वन इज इक्वल्स टू डेल वाई और डेल सी और डेल वाई की वैल्यू क्या थी, एमपीसी, और इसकी वैल्यू क्या थी, एमपीएस। ये तो हमने कल देख लिया था स्टूडेंट, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर क्या देखना है, इक्विलिब्रियम पर। तो अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है,
चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये होता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल वाई, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था क्योंकि लास्ट क्लास में समझा दिया था, ठीक है। तो डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई, अब देखिएगा स्टूडेंट, प्लस डेल आई अपॉन डेल वाई। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, डेल वाई से डेल वाई कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। डेल सी अपॉन डेल वाई क्या होता है, एम पी सी प्लस डेल आई अपॉन डेल वाई, ये तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज हमें पता है, के की वैल्यू पता है, के क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल आई, लेकिन यहां पे क्या, डेल आई अपॉन डेल वाई। सो इसका मतलब स्टूडेंट, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल आई। सो इसका मतलब यहां पर 1 होता है हमेशा डिनोमिनेटर में, सो तो इसकी वैल्यू चेंज होकर के क्या आ जाएगा, नीचे, तो ओके के का चला जाएगा नीचे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन के, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन के। सो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये किसकी वैल्यू हो गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, मल्टीप्लायर की। अगर स्टूडेंट, अगर मैं 1 में से एमपीसी माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एमपीएस मिल जाएगा। सो मैं इसका एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, और के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, ओके। अगर मैं 1 में से एमपीसी माइनस कर दूं तो इसका मतलब यहां पे बच क्या रहा है, एमपीएस ही बच रहा है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही है, सेम ही फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझना, देखो एग्जांपल, देखो हमारे पास सपोज करते हैं एमपीसी है हमारे पास 0.5, एमपीसी कितना 0.5, क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस। भाई ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले सेम है, चाहे ये फॉर्मूला पुट कर दो, ये फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है, हमने डायरेक्ट एमपीएस दे रखा तो यही फॉर्मूला एमपीएस भी निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन एमपीएस कैसे निकालेंगे, एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू होती है 1, और एमपीसी देगा 0.5, तो इसका मतलब एमपीएस भी कितना होगा, 0.5 होगा, तो मल्टीप्लायर कितना आ गया, 2, मल्टीप्लायर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास एमपीसी दे रखा है 0.4, एमपीसी कितना दे रखा है 0.4, और के कैलकुलेट कर रहे हैं, जब एमपीसी 0.4 दे रखा है तो एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1, तो जब हमें पता है एमपीसी 0.4 है तो बाय डिफॉल्ट एमपीएस कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ओके। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, कितना हो जाएगा 0.6, तो जब 1 को 0.6 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर हटाया तो ये हो गया, तो 6 हो गया, फिर 6 6 36, तो 1.67 समथिंग आएगा। सो इंटरप्रिटेशन अब समझना स्टूडेंट, इंटरप्रिटेशन समझना, हमारा एमपीसी पहले कितना था 0.5, फिर एमपीसी कितना हो गया 0.4, बताओ एमपीसी यहां से यहां तक हमने एमपीसी को क्या करा, रिड्यूस, और हमारा मल्टीप्लायर भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब क्या है, एमपीसी एंड मल्टीप्लायर इनमें कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और चेक करके देख लेते हैं एक बार, और चेक कर लेते हैं, और चेक क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अगर आप क्या करके देखो, बढ़ाकर देखो, हमारे पास एमपीसी दे रखा है 0.6, के पूछा है मल्टीप्लायर, है ना, अब आपको पता है के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, जब एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस कितना होगा 0.4, तो कितना आ जाएगा 2.5। देखो जैसी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ी तो हमारा, जैसी हमारे एमपीसी की वैल्यू बढ़ी तो मल्टीप्लायर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना होगा मल्टीप्लायर 2.5 हो गया। सो इसका मतलब मल्टीप्लायर में और एमपीसी में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब जब एमपीसी बढ़ा तो एमपीएस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। सो एक और चीज समझ में आ गई कि एमपीएस में और मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशन है, कौन सा, इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर में के ही लिख रहा हूं, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी इनफाइनाइट हो सकती है, क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। कब होगी इनफाइनाइट वो भी समझ लो, कब होगी इनफाइनाइट वो समझो, व्हेन होल अमाउंट ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, जब आप सारा का सारा क्या कर लोगे, होल अमाउंट क्या कर लोगे, कंज्यूम, तो होल अमाउंट का मतलब क्या है, आपका एमपीसी हो जाएगा 1, व्हेन एमपीसी 1, जब एमपीसी क्या हो जाएगा 1,
तो इसका मतलब जब एमपीसी 1 हो गया तो उस पॉइंट पर एमपीएस क्या बनेगा, 0। तो हम के की वैल्यू पुट करेंगे, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस कितना हो गया, 0। जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइट। वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट, इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, के की इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, क्या मल्टीप्लायर 1 कब होगा, मल्टीप्लायर 1 कब होगा, मल्टीप्लायर 1 कब होगा, के 1 कब होगा, व्हेन व्हेन होल अमाउंट इज सेव्ड। जब हम क्या कर लेंगे, सारा का सारा पैसा क्या कर लेंगे, सेव, मतलब एमपीएस कितना हो जाए, 1। जब एमपीएस 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1 ही हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम जितना कमा रहे हैं वो सारा का सारा क्या कर लें, सेव कर लें, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट जनरली। बताइए, बात समझ में आ गई इतनी, यहां तक कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को स्टूडेंट आप पॉज करके देखिएगा, मेक योर प्रॉपर नोट्स वाइल स्टडिंग। ओके, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए स्टूडेंट, मैं भी तो आपके लिए बोर्ड को सजाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मेरी राइटिंग आपसे बहुत खराब है, लेकिन मैं भी देखो 4 कलर से लिख रहा हूं, 4 डिफरेंट मार्कर से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सो आपको भी अपने नोट्स वैसे ही प्रिपेयर करने, ताकि आपको भी अट्रैक्टिव लगे। जब चीजें अट्रैक्टिव होती है स्टूडेंट्स तो समझ में भी आता है, पढ़ने में भी अच्छा सा लगता है, जब अट्रैक्टिव सा जब आप लिखोगे तो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, इस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया इनकम डिटरमिनेशन, मैंने आपको बता दी कि इनकम को कैसे डिटरमाइन करा इक्विलिब्रियम पर, और हमने किसकी वैल्यू बताई कि मल्टीप्लायर क्या होता है। अब मल्टीप्लायर पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरली मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, अब मैं आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेता हूं और फिर आपसे पूछता हूं स्टूडेंट कि आप उसकी वैल्यू बताइएगा। ठीक है, ओके, मैं यहां पर रब नहीं कर रहा ताकि आपके सामने रहे। ठीक है, मेरे पास ये बुक है, उस बुक में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं आपको कराने के लिए। ठीक है, सो आपके पास भी कोई भी बुक हो, कहीं से भी क्वेश्चंस हो, तो आप क्वेश्चंस को जरूर करें स्टूडेंट, ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश व्हेन वैल्यू ऑफ एमपीसी इज। ओके, पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या होगी, तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है स्टूडेंट, इनफाइनाइट। कब होगी इनफाइनाइट, जब एमपीसी कितना होगा, 1 होगा। जब एमपीसी कितना होगा, 1। जब एमपीसी 1 है तो एमपीएस क्या होगा, 0। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, जब एमपीएस 0 होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, इनफाइनाइट। या फिर जब एमपीसी की वैल्यू 1 होगी तब भी मल्टीप्लायर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास, इफ एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जब एमपीसी और एमपीएस दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछे, बहुत ही सिंपल है। उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 2। कितनी आएगी, 2। कैसे आएगी 2, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। भाई आपको पता है दोनों का सम कितना होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1। और दोनों एक दूसरे के इक्वल क्या हो सकते हैं, 0.5 और 0.5 क्या हो सकते हैं, 0.5 0.5। तो हमने क्या करा, 1 अपॉन 0.5 कितना आ जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगी वैल्यू, 2। जब एमपीसी और एमपीएस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास, इफ एमपीसी इज जीरो, इफ एमपीसी इज जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी जीरो है स्टूडेंट तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। जब स्टूडेंट एमपीसी जीरो हो गया, जब एमपीसी अगर जीरो है, एमपीसी क्या है, 0, तो एमपीएस कितना होगा, 1। तो 1 अपॉन 1 कितना होगा, 1 ही होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, ओके। यहां तक आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है स्टूडेंट्स। सो नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस का मतलब कि डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, और डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि डिमांड कम है। एक्सेस का मतलब, एक्सेस डिमांड कहाँ होगी, एक्सेस डिमांड इज इक्वल्स टू व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ओवर एग्रीगेट सप्लाई। मतलब बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम क्या अचीव हो रही थी हमें, एक्सेस डिमांड हो रही थी, अभी हमने देखा था। और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल्स टू कब, जब एग्रीगेट डिमांड किससे कम थी, एग्रीगेट सप्लाई से, आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम दोनों तो इक्वल थे,
लेकिन बिफोर इक्विलिब्रियम क्या था, एक्सेस डिमांड थी, और आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या था, डेफिशिएंट डिमांड। तो अब उन्हीं डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है स्टूडेंट्स, कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ज्यादा ना हो जाए बहुत, उसको कंट्रोल करके रखना है। तो कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ चीजें हैं जो हम जिससे हम इसको मेजर और कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीजन जानेंगे स्टूडेंट कि एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के पीछे के रीजन क्या है और उनको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। व्हाट वर द रीजंस एंड हाउ टू करेक्ट इट, और हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सो आइए देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड के रीजंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम डेफिशिएंट डिमांड के भी देखेंगे, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड के, पहले एक्सेस डिमांड के, फिर डेफिशिएंट डिमांड। तो ये जो हमारे पास रीजन है ये हैं एक्सेस डिमांड के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी कितनी है। अगर कंज्यूमर के अंदर प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी, जिज्ञासा बढ़ जाएगी किसी चीज को जानने की, कुछ करने की, तो वो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाए स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाती है। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज, तो कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ओके, अब सपोज करें ये प्रोडक्ट हमें 25 रुपए का मिलता है और उस पर टैक्स लग रहा है 5 रुपए का। ओके, अगर यही टैक्स कम हो जाए तो इसका मतलब इसके मार्केट में प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। तो कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर टैक्स क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, टैक्स क्या हो जाए, रिड्यूस। अगर टैक्स रिड्यूस होंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर दे, और ज्यादा कर दे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनवाना शुरू कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। सो ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट क्या कर दे, अगेन इंक्रीज कर दे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंपोर्ट्स, अगर हम इंपोर्ट को क्या कर दे स्टूडेंट, कम कर दें, मतलब इंपोर्ट क्या कर दें, हम कम कर दें, बाहर से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट को क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें, एक्सपोर्ट को क्या कर दें, हम बढ़ा दें। तो ये रीजंस हैं किसके, एक्सेस डिमांड के रीजन है स्टूडेंट। और अगर यही डेफिशिएंट डिमांड के अगर हम देखें, डेफिशिएंट डिमांड के यही रीजन, तो यहाँ पे एरोस चेंज हो जाएंगे। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी। इंक्रीज इन टैक्सेस की जगह क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह क्या आएगा, डिक्रीज। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आएगा, डिक्रीज। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स की जगह क्या आएगा, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स की जगह क्या आएगा, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड के ये रीजंस हैं। अगर आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में अगर आपकी कम हो गई स्टूडेंट्स, तो आप डिमांड ऑटोमेटिकली और कम। टैक्सेस अगर बहुत हाई हो जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। तो ये रीजंस हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के। अब इन रीजंस को, जो हमारे पास एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, देन वी हैव सम टूल्स। हमारे पास कुछ टूल्स है स्टूडेंट, जिनकी वजह से हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और करेक्ट कर सकते हैं। वो टूल्स क्या है वो देखिएगा। तो सबसे पहले दे रखा है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। स्टूडेंट, हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं अभी, कि एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सेस डिमांड, या एक्सेस डिमांड हो या फिर हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड हुई, एक्सेस डिमांड हो या फिर डेफिशिएंट डिमांड हो स्टूडेंट्स, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ वर्ड से पता चलेगा एक्सेस डिमांड। अब बताओ एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हमारे पास तीन टूल्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस और मनी सप्लाई। कितने टूल्स हैं हमारे पास, तीन टूल्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस और मनी सप्लाई, ठीक है। अब इनको समझना है। अब देखो एक्सेस डिमांड को पहले कंट्रोल करना है, तो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, अगर देखो अभी हमने बताया था एक्सेस डिमांड के रीजन क्या है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई थी, एक्सेस। अब इसको कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या करने पड़ेंगे, हमें डिक्रीज करने पड़ेंगे, इसलिए क्या हो गया, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये मेजर है किसका, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस डिक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, एक्सेस डिमांड थी ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्सेस। तो अब इस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने टैक्सेस को यहां पे क्या कर दिया, इंक्रीज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, पब्लिक के पास, जनता के पास कितना पैसा है। अगर पब्लिक के पास, जनता के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा तो डिमांड क्या करेगी स्टूडेंट, ज्यादा करेगी। तो जो पब्लिक के पास जो पैसा है, उस मनी सप्लाई को क्या करना है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को मिलकर क्या करना है, कंट्रोल करना है, डिक्रीज करना है। तो जितनी उनकी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतना वो ज्यादा डिमांड करेंगे। और मनी सप्लाई का दूसरा नाम होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसको, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ
क्रेडिट, ठीक है। तो मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। अब मनी सप्लाई के हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। अब जैसे क्वांटिटेटिव में क्या है, बैंक रेट। तो सबसे पहले बैंक रेट की अगर हम बात करें तो बैंक रेट वो रेट है जब एक सेंट्रल बैंक, जब एक सेंट्रल बैंक किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है किस पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस। किसके लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है। तो उसको बैंक रेट और डिस्काउंट रेट बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, बैंक रेट, अब सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक को जो लोन दिया उसका रेट बढ़ा दिया, उसका रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देनी पड़ रही है, ओके, तो वो कम से कम लोन लेगी। जब कमर्शियल बैंक के पास कम लोन आएगा तो पब्लिक को भी क्रेडिट क्या देगी, वो कम देगी। सो इसका मतलब अगर हम बैंक रेट को इंक्रीज कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस डिमांड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट रेपो रेट। तो ये रेपो रेट भी वही है जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन किस टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगेन उसको भी क्या कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे, ओके। अब सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई पैसा पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास बहुत पैसा है, तो उस पैसे की सप्लाई को बैंक क्या करना चाह रहा है, रिड्यूस करना चाह रहा है, ताकि डिमांड क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, ओके। ताकि डिमांड क्या हो जाए, कंट्रोल। तो बैंक क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसको बेच देगा, पब्लिक को। जब पब्लिक को बेचेगा तो पब्लिक के पास पैसा, पब्लिक के पास क्या, मनी। अभी मनी किसके पास चलेगी, जब परचेस करे तो किसके पास चलेगी, बैंक के पास। किसके पास चलेगी, बैंक के पास। तो इसका मतलब बैंक ने पब्लिक को क्या कर दी, अपनी सिक्योरिटीज बेच दी। क्या कर दी, बेच दी। जब सिक्योरिटीज बेच दी, इसका मतलब अब आपके पास से लिक्विडिटी खत्म हो गई कैश की। क्या हो गया, कैश की लिक्विडिटी खत्म हो गई। अब आपके पास लिक्विड में कैश नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटीज है। वो फिर से आप किसको बेच पाओगे, गवर्नमेंट को ही बेच पाओगे। तो गवर्नमेंट ने आपकी मनी सप्लाई को कम कर दिया। जब मनी सप्लाई कम हो गई खुद ब खुद, तो एक्सेस जो आपकी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या, इसमें दो चीजें होंगी, या तो SLR होगा या फिर CRR होगा, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। अब ये दो रेशियो है, अब देखो दोनों रेशियो में क्या क्या है। एक तो कहता है जब आप अपने पास ही जितना भी आपके पास पैसा लोन दे रहे हो उसका सर्टेन परसेंटेज आपको अपने पास रखना पड़ेगा, और एक रिजर्व कहां पर रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर बैंक इन दोनों ही रेट को इंक्रीज कर दे, अगर कमर्शियल बैंक इन दोनों ही रेट को इंक्रीज कर दे, तो क्या मतलब है कि कमर्शियल बैंक के पास ऑटोमेटिकली पैसा कम आना है। जब पैसा कम आएगा तो आप पब्लिक को भी क्रेडिट क्या दोगे, कम दोगे। जब पब्लिक के पास क्रेडिट कम होगा स्टूडेंट्स, तो डिमांड भी क्या करेंगे, कम ही करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वांटिटेटिव, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी चीज है प्रॉपर्टी, कोई भी मार्केट वैल्यू और लोन ग्रांटेड। भाई सपोज करो आपकी एक प्रॉपर्टी 100 रुपए की है, आपकी प्रॉपर्टी कितने की, 100 रुपए की, ठीक है। तो बैंक आपकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ आपको 60 रुपीज का लोन दे सकती है, ये आपकी सिक्योरिटी है, और लोन कितने का दे सकती है आपको, वो 60 रुपए का, ठीक है। अब आप 60 रुपए खर्च कर सकते हो, 60 रुपए खर्च कर सकते हो। अब क्या करा बैंक ने, क्या करा इस सिक्योरिटी को क्या कर दिया, बोले अब आपको क्या है, अब आपको 100 रुपए की अगर सिक्योरिटी दोगे ना, तो हम आपको सिर्फ 40 रुपए का लोन देंगे। कितने का लोन देंगे, 40 रुपए का। तो इसका मतलब मार्जिन पहले 40 का था, अब मार्जिन कितने का होगा, 60 का। तो इसका मतलब पब्लिक के पास 60 से कितना रुपया पहुंचेगा, 40। तो जब पब्लिक के पास खुद कम पैसा पहुंच रहा है, तो वो आगे खर्च भी क्या करेगी, कम करेगी, तो डिमांड क्या हो जाएंगे, इसकी कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉरल सुएजन। नेक्स्ट क्या है, मॉरल सुएजन। तो मॉरल सुएजन का मतलब क्या है कि जो RBI है वो कुछ लेटर्स स्पीचेस देता है, ठीक है, बताता है किसको, कमर्शियल बैंक को बताता है ओके, कि इस पर्सन को आप क्या है, इस पर्सन को पैसा दे सकते हो, उस पर्सन को पैसा नहीं दे सकते। नेक्स्ट है क्रेडिट रेशनिंग। क्या है क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, सपोज करिए आई हैव अकाउंट इन कोटक महिंद्रा बैंक, मैं कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा अकाउंट है। अब मुझे क्या स्टूडेंट्स, मेरी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है कोटक महिंद्रा से, अब मुझे क्या नहीं मिल सकता, क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो अब क्या है, मैं कोटक महिंद्रा ने मुझसे कहा आप SDFC में जाकर आप उनसे कहिए कि भाई आपको लोन चाहिए। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा सर अभी आपने अकाउंट ओपन करा है, आपको अभी हम क्रेडिट नहीं दे सकते। तो क्या कहते हैं, आप अभी अपना ऐसा बैंक जिसमें आपका पहले से अकाउंट था, आप वहां से अगर हमें कुछ NOC ला के दे दो, ठीक है, या आप अपने पास रिकॉर्ड्स लाकर दिखा दो हमें कि हमारा वहां पर प्रॉपर सही रिकॉर्ड चल रहा है, तो हम आपको लोन दे सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं कोटक महिंद्रा बैंक के पास आऊंगा, कोटक महिंद्रा से कहूंगा भाई मुझे एक लेटर दे दीजिए जो कि मुझे
वहाँ आगे शो करना है HDFC बैंक में। सो क्या होगा, कोटक महिंद्रा बैंक बताएगा कि ही इज़ द लॉयल कस्टमर, ये हमारे लॉयल कस्टमर हैं, इनका तब से अकाउंट चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताएगा। तो HDFC के पास एक प्रूफ आ जाएगा, तो HDFC मुझे क्या कर देगा, क्रेडिट अवेल करा देगा। तो क्रेडिट रेशनिंग, अब क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या है और मोरल सुएजन का मतलब क्या है बताओ। मोरल सुएजन का मतलब यहाँ पर RBI कमर्शियल बैंक को बोलेगा लोन दो या लोन मत दो, बताइए, डिस्करेज लेंडिंग और इनकरेज लेंडिंग, क्योंकि आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है एक्सेस डिमांड को। तो अगर इनकरेज से तो और बढ़ेगा, तो क्या कर देगा यहाँ पे, डिस्करेज, क्या कर देगा यहाँ पे, डिस्करेज। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स थे हमारे किसके, एक्सेस डिमांड के। अगर हम यही डेफिशिएंट डिमांड में देखें तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्या क्या चेंज होगा, डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, ओके। सेल ऑफ सिक्योरिटीज की जगह यहाँ पे सेल था, और डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो जाएगा, सेल की जगह क्या हो जाएगा परचेज, क्योंकि मनी सप्लाई को बढ़ाना है। और LRR की जगह क्या हो जाएगा, LRR पहले यहाँ इंक्रीज हो रहा था, डेफिशिएंट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था स्टूडेंट कॉन्सेप्ट हमारा, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।